कैसे हो सर? कैसे सर? बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप लोग कैसे हैं? क्या कहना चाहोगे सर? सर मिल के आए तो अभी जा रहा हूँ मिलने के लिए। और गोविंदा जी स्वस्थ है, मस्त है, आपको खबर पता चल गई होगी। उन पे कुछ बातचीत हुई आपकी उनके साथ? बहुत सारी बातें पता चल गई। हमारे दिल से एक ही दुआ है गोविंदा भैया जी, हजारों साल यही धैर्य से दुआ दे, हम सब उनका फैन सुनील पा। कैसे कुछ घटना की घटी उस बारे में कुछ बताया क्या? कैसे? वो तो मुझे मुसीबत आपको ही पता होगा, नॉर्मल सा एक्सीडेंट था। मैं तो समझता कि कोई बड़ी मुसीबत होगी, जो छोटे में टल गई। अब गोविंदा भैया जो है स्वस्थ और मस्त होकर हमारे बीच में वैसे ही हीरो नंबर वन की तरह आएंगे, जिसे हम लोग चीची भैया कहते हैं। हीरो नंबर वन कहते हैं। और चिची भैया से मिल के आया हूँ, परमात्मा की कृपा से एकदम मस्त है, टनाटन है। और मैंने उनको एक जो भी सुनाया कि इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही दा है, एक गोविंदा एक मिथुन दा, बाकी सब आइंदा। मैं समझता हूँ कि मैंने समझता कि मैं उनको जोक सुनाऊंगा, लेकिन वही मुझे जोक सुना रहे, वही मुझे हंसा रहे। और हाईलाइट ये कि उन्होंने अभी एक ब्रेकिंग न्यूज भी दी है कि यहाँ से निकलती 3 फिल्मों की सेट पर जाने वाली है। तो फिर से हमारे चीची भैया जो हीरो नंबर वन है, हमें हंसाने वाले हैं, एंटरटेन करने वाले हैं। इससे किशोर दा ने उनके लिए गाना गाया था, जिससे महफिल में जाता हूँ, जाते ही छा जाता हूँ, नाचता हूँ गाता हूँ, सबका दिल बहलाता हूँ। चीची भैया अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए फिर वापस आए। ओके, सो लव यू ऑल। और चीची भैया के लिए हम सब दिल से दुआ करते हैं कि फिर से एक बार वो आ जाए, है ना? ओके, दोबारा से राउंड पाएंगे। और जहाँ तक भी है, आज शाम तक उनको ICU वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, प्लान कर दिया डॉक्टर ने, आज नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर। उसके बाद कल फिर राउंड के बाद डिसाइड करेंगे। ये प्रोड्यूसर हैं।